हेलो दोस्तों, मैं आज तीन तरह की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए। पहला रेसिपी है मछली कैसे फ्राई करें, दूसरा है मछली की अंडा होता है ना उसकी पकौड़ी कैसे बनाएं, तीसरा रेसिपी शायद आप लोग को पता हो या नहीं हो वो है मछली की कचौड़ी कैसे बनाएं। तीनों रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों मछली की, तो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो पहले हम अंडा की पकौड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने अंडा रात में ही मेरा मछली आया था दोस्तों, इसलिए मैंने हल्दी डालकर फ्रिज में रख दिया था। तो मैं 3 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ बड़ी चम्मच से। अंडा मेरा बहुत सारा है। एक बड़ी साइज की प्याज लिया है, बहुत ही पतला चॉप किया है। 3-4 में हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ दोस्तों। अगर आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 मिर्ची और ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लहसुन पेस्ट ऐड किया है, ये सरसों पेस्ट है 1 चम्मच, इससे पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच छोटी चम्मच से है दोस्तों, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं दोस्तों। मैंने मसाला छोटी चम्मच से लिया है दोस्तों, बड़ी चम्मच से आप लोग लेते हैं तो 1/4 लीजिएगा। अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो अंडा को देखिए किस तरह से मिक्स कर रहे हैं हम। उसके बाद जो भी रहेगा ना उसको हम निकाल कर फेंक देंगे। देखिए तो दोस्तों हम इसको फेंक देते हैं। देखिए सारा मैंने अंडा निकाल लिया है, तो मेरा ये पेस्ट तैयार हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा पकौड़ी के लिए तैयार करते हैं पेस्ट। तो उसके लिए मैं 4 मछली को उबालेंगे। पहले 4 मछली मैंने ले लिया है, उबाल लेते हैं। बस एक उबाल आने तक हम मछली को उबालेंगे पकौड़ी या कचौड़ी के लिए। तो देखिए मछली को मैंने इसलिए उबाला है दोस्तों ताकि मछली की कचौड़ी खाने में टेस्टी लगे, नहीं तो आपकी कचौड़ी ना महकने लगेगी दोस्तों। तो देखिए इसका जो भी है ना स्मेल या महक निकल गया, तो मैंने सारा काटा निकाल कर एक ग्राइंडर में ले लिया है। हाथ से भी आप मैश या मिक्स कर सकते हैं, पर मैं लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ कचौड़ी में, तो मिक्सी ग्राइंडर को हम दरदरा टाइप में पीस लेंगे। तो मैंने 4 लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, तो इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, देखिए। तो ये 3 चम्मच होगा करीबन, मैं निकाल कर दिखा देती हूँ आप लोग को। तो जितना ये पेस्ट होगा ना उतना ही हम बेसन लेंगे। तो देखिए ये 3 चम्मच पेस्ट होगा, 3 चम्मच हुआ है ना। थोड़ा सा पानी डालकर हम निकाल लेते हैं। अब हम बेसन ऐड करेंगे, तो पहले प्याज ऐड कर रही हूँ। बड़ी साइज के मैंने प्याज लिया है, पतला चॉप किया है। हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए बना रही, थोड़ा सा हरी मिर्च भी कम ऐड कर रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग अगर तीखा खाते हैं तो 1-2 मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला 1/2 चम्मच छोटी चम्मच से, नमक आप अपने अकॉर्डिंग 1/2 चम्मच, 2 चुटकी हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करकर ये भी मेरा पेस्ट तैयार हो गया है दोस्तों। तब मैंने दूसरा भी ढोर तैयार कर लिया है मछली कचौरी के लिए। पेस्ट तैयार हो गया है, तो अब हम मछली फ्राई के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है, नमक अपना अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच मैंने ऐड किया है। आप बड़ी चम्मच ऐड करते हैं तो 1/4 ही ऐड करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपकी मछली फ्राई ना बहुत ही बेकार लगेगी। दोस्तों मेरा हल्दी इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरा रात में ही मछली आ गया था, तो शुक्रवार था, मैं शुक्र को नहीं खाती हूँ तो नहीं बनाया था। तो ऑयल गर्म है तो मैं इसमें मछली ऐड कर रही हूँ। मछली को आप जब भी फ्राई करते हैं ना मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा दोस्तों, इससे आपकी मछली बहुत ही कुरकुरा लगेगी खाने में। तो एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा, तो बीच में मेरा लाइन कट जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ बहुत दिक्कत है। तो देखिए मैंने मछली फ्राई कर लिया है दोस्तों, अभी भी लाइन नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं, तभी मैं सूट कर रही हूँ क्योंकि आधा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो मछली को आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, इससे आपकी मछली पकौड़ी बहुत ही कुरकुरा लगेगी। तो इसी कढ़ाई ऑयल में मैं ये मेरा कचौड़ी है मछली कचौड़ी, तो
मछली कचौरी भी मैं शुरू में हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, उसके बाद गैस को मीडियम कर दूंगी ताकि कचौरी बहुत ही क्रिस्पी बने। तो दोस्तों, आप लोग ने अपने घर पर मछली कचौरी कभी बनाई होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको लगता है शायद ही बनाए होंगे आप लोग इस तरह की कचौरी। तो हम मीडियम फ्लेम पर अब इसको पलट देते हैं पकौड़ी को, कचौरी को। हम लोग ज़्यादा कचौरी बोलते हैं दोस्तों, या कड़ी पकौड़ी बनाते हैं, इसलिए मेरा हमेशा पकौड़ी बोलने की आदत है, पर इसे कचौरी कह सकते हैं, कचरी। तो देखिए ये ब्राउन भी हो गया है, थोड़ा सा और हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है दोस्तों, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा अपने घर में मछली की कचरी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए मैंने सारा फ्राई कर लिया है दोस्तों, कितना क्रिस्पी बना है दोस्तों, बिल्कुल कबाब की तरह। तो इसी ऑयल में हम अब अंडा की पकौड़ी बनाएंगे दोस्तों। जब भी आप अंडा की पकौड़ी बनाते हैं ना, तो छोटा छोटा ही लीजिएगा, कम कम, क्योंकि अंडा की पकौड़ी फैलता है दोस्तों। तो देखिए मैं कनी कनी ले रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा कर कर डोर, देखिएगा पकौड़ी कितना बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये अंडा पकौड़ी आप हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं, पर गैस अगर मीडियम रहेगा तो और भी पकौड़ी क्रिस्पी बनेगी, कुरकुरा बनेगी। तो जब भी आप कोई भी पकौड़ी बनाते हैं ना, गैस को आप मीडियम ही रखें। तो हम इसको पलट देते हैं पकौड़ी को, अंडा की पकौड़ी हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा ना, तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मैं सिंपल वीडियो बनाती हूँ, पर आप लोग को समझ में जरूर आता होगा दोस्तों। तो देखिए इसका भी कलर गोल्डन कलर हो गया है। तो हम इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे दोस्तों। तो ये भी पकौड़ी मेरा बनकर तैयार है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकौड़ी बनाई है। तो देखिए मैंने सारी पकौड़ी फ्राई कर लिया है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, अपने लाडों को छोड़कर वीडियो बनाती हूँ। सोच सकते हैं छोटा बच्चा है मेरा, पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को भी। मैं ऐसे ही नया नया रेसिपी आप लोग के लिए लाऊंगी, तो आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को थैंक यू सो मच, थोड़ा सपोर्ट किए हैं, थोड़ा सा और करिए। थैंक यू।